Hey guys, I'm Ankita and welcome back to my channel. And if you guys new here, then welcome to my channel. So guys, this will be the first vlog in my channel, and like every normal day, now I'm on the way of my lab. But there's little special today because आज मुझे वैक्सीन मिलने वाली है. So through this vlog, मैं share करूँगी कि मेरा experience कैसा था, how was the protocol and how the procedure of the vaccination, etc., etc. So come follow me. So I'm just reached on Central Metro Station and on the way of Medical College. एंड गाइज, आज का जो ये पूरा व्लॉग है वो मैं अपने फ़ोन से ही शूट कर रही हूँ. आई डोंट नो हाउ मच आई कैन शो यू दैट कैंपेन, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे शायद, एंड आई हैव टू फॉलो दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस. एंड फोटोग्राफी भी अलाउड होगा कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अगर अलाउड होंगे तभी तो ये व्लॉग लाइव जाएगा ना. तो चलिए देखते हैं. मेन बिल्डिंग ऑफ मेडिकल कॉलेज कोलकाता. एंड नाउ यू गाइज माइट बी थिंकिंग कि अरे यार इसको कैसे वैक्सीन मिल रहा है. सो लेट मी शो यू माई आई कार्ड. सो करंटली आई एम वर्किंग ऑन ISTM मेडिकल कॉलेज कोलकाता, एंड यहाँ मैं अपना रिसर्च वर्क कंटिन्यू कर रही हूँ, एंड दैट्स वाई मुझे ये वैक्सीन मिल रहा है. सो गाइज, आई वॉज इन लैब एंड दैट्स वाई आई कुडंट शूट टू मच. एंड Now we are moving towards the vaccination camp. I mean, जहाँ पर हम लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा. So ये रहा हम लोगों का वैक्सीनेशन कैम्प. एंड इधर आपको एक अपना जो नाम है, नाम और पैन कार्ड के जो डिटेल्स है वो वेरीफाई कराना पड़ेगा. एंड उसके बाद ये लोग आपको एक कूपन देगा, एंड उसके बाद अंदर ऑडिटोरियम के अंदर जाके आपको वैक्सीन लेना पड़ेगा. सो अभी मैं वो ऑडिटोरियम के जो बाहर का हिस्सा है उधर हूँ. यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं. ये लोग सीरियल वाइज कूपन का जो नंबर है उस सीरियल वाइज आपको कॉल करेंगे, एंड देन यू हैव टू टेक वैक्सीन. एंड इसीलिए सब लोग वेट कर रहे हैं. और गाइस, मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी कि मुझे कैसे पता चला कि आज मेरा वैक्सीनेशन डे है. वेल, लेट मी टेल यू कि ये जो वैक्सीनेशन का जो इनिशिएटिव है ना, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स सेंड करना पड़ता है, वो मेरा जो डिपार्टमेंट है वहाँ से ऑलरेडी सेंड किया हुआ था. एंड देन मेरे पास मैसेज आया एक दिन कि आपका जो कोविड का वैक्सीनेशन है उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है. देन मुझे परसों मैसेज आया था कि आपका अभी 5th फेब को आपका वैक्सीनेशन डे है, आप 10 बजे से 4 बजे तक के अंदर उस दिन जाके वैक्सीन ले लेना. तो इसीलिए मुझे पता चला कि आज मेरा वैक्सीनेशन डे है, एंड ऐसे ही मैं आज इधर आ गई. सो ये मेरा वैक्सीनेशन का टाइम का फोटो है. एंड गाइस, दैट प्लेस इज नॉट लाइक दैट कि आप उधर बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक कर सको और बहुत सारे मतलब वीडियोस कर सको. बस आप एक बार अंदर जाओगे, उधर एक बार और आपका जो पैन और आपका जो नाम है वो वेरीफाई होगा, एंड देन आपको वो जो कोविड का जो इंजेक्शन है वो आपको इंजेक्ट कर दिया जाएगा. बस दैट्स इट. सो अभी हम लोग सारे ऑडिटोरियम के अंदर वेट कर रहे हैं. एंड गाइज, आफ्टर वैक्सीनेशन आपको 30 मिनट्स के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, एंड इसीलिए हम लोग इधर बैठे हुए हैं. और आप लोग सामने देख सकते हो कि कुछ डॉक्टर्स, कुछ नर्सेस बैठी हुई है. वो 30 मिनट्स के बाद आपको इधर से छोड़ देगा, एंड तब आप अपना खुद का जो भी काम है, जो भी नॉर्मल काम है वो कर सकते हो. सो नाउ आई एम रिटर्निंग होम. एंड गाइज, यही ऐसा ही कुछ था मेरा वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस.
एंड जब हम लोग रिटर्न कर रहे थे तब हम लोगों को एक थैंक यू कार्ड भी मिला है जो मैं दिखा दूंगी घर जाके आप लोगों को। एंड गाइज ये फर्स्ट डोज था, ठीक है। आपको ये जो वैक्सीन है वो मतलब उसका दो डोज है तो आपको दो बार लेना पड़ेगा। एंड ये फर्स्ट डोज था एंड आई थिंक जो सेकेंड डोज है वो आज 5th February है एंड आई थिंक वो जो डोज है वो मुझे थ्री और फोर्थ मार्च को मिलेगा। बट 4th March तो मेरा बर्थडे है, अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। चलो 4th March को अगर मिलेगा तो ले लेंगे, लेकिन आप लोग ना मुझे 4th March को विश करना है, ठीक है। चलो घर जाके मिलते हैं। और हाँ, ये जो वैक्सीन हम लोगों को दिया गया है ये कोविशील्ड था, जो मैंने पहले बताना भूल गई, लेकिन मैंने एक फोटोज क्लिक कर लिया था। सो गाइज आई एम बैक एंड मैं नहा धो के बैठ गई कैमरे के सामने, सॉरी नहीं मोबाइल के सामने। तो अच्छा देखना, ओ सॉरी देखना इधर पड़ेगा। तो गाइज आई नो ये जो इशू है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है आज के डेट में। एंड गाइज मैंने इस वीडियो को इसीलिए बनाया क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वैक्सीन ना लो, ये सेफ नहीं है वगैरह वगैरह। गाइज मैं माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, मैंने अपना BSc का जो ऑनर्स पेपर था वो माइक्रोबायोलॉजी था। एंड मतलब वेस्ट बंगाल में ऐसा ही होता है, एक स्पेशल पेपर होता है BSc में, तो वो मेरा माइक्रोबायोलॉजी था। एंड देन आफ्टर BSc मैंने MSc भी माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर ही किया है। मुझे ऐसा लगा कि ये जो वैक्सीन है ये सेफ है, सो ट्रस्ट द वैक्सीन। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, देर आर लॉट ऑफ पेपर्स ऑन NCBI, देर आर लॉट ऑफ आर्टिकल्स ऑन इंटरनेट, इफ़ यू वॉन्ट आप उसको पढ़ सकते हो। एंड आफ्टर डूइंग ऑल दोज स्टडीज मुझे ऐसा लगा कि ये वैक्सीन सेफ है। एंड गाइज हमारे देशों के जो डॉक्टर्स है, जो नर्सेज है, वो लोग ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सेफ है। तो मतलब वो जो अफवाहें बोलते हैं ना हिंदी में, है वो जो अफवाहें है ना, उसमें कान मत देना और अपने टाइम पे वैक्सीन ले लेना। आई थिंक मैंने बहुत सारा बोल लिया है, तो चलिए अभी व्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं। एंड आई होप कि ये व्लॉग आप लोगों के लिए हेल्पफुल ही होगा। एंड अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी दबा देना। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन टाटा बाय।